हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इस चैप्टर के अंदर जो जो लाइन है वो सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट करा दूंगी और उसी को आपको क्या करना है, नोट्स बना लेने हैं या इसी बुक में से आप क्या कर सकते हो, उसको लर्न कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन को हाईलाइट करने के लिए आप क्या निकालेंगे, पेंसिल जो हाईलाइटर है आपको वो आप क्या कर लीजिए, अपने पास में से अपने पास निकाल लीजिए। ओके, तो सबसे पहले ये जो लाइन मैंने यहाँ हाईलाइट कराई है, दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल्स। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो चेंजेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, उन दोनों चेंजेस के नाम जो है वो आपको यहाँ से लर्न करने हैं। तो कौन से दो तरह के चेंजेस होते हैं, पहला चेंज होता है फिजिकल और दूसरा चेंज होता है केमिकल। क्लियर। अब सबसे पहले हम फिजिकल चेंज क्या होता है उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिर उसके हम क्या करेंगे एग्जांपल्स जो है वो पढ़ेंगे। ओके, तो जो एक्टिविटी 6.1 के अंदर ये जो मैंने मतलब लाइन हाईलाइट कराई है, कट अ पीस ऑफ पेपर इन पीसेस, ये फिजिकल चेंजेस का पहला एग्जाम्पल है। ओके, फिर दूसरा एग्जाम्पल एक्टिविटी 6.2 के अंदर है, जिसमें आपको क्या करना है, क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट, मतलब आपको चॉक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मतलब उसको पाउडर फॉर्म में क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ओके, ये जो है एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का दूसरा। ओके, एक्टिविटी 6.3 के अंदर फिजिकल चेंज का तीसरा एग्जाम्पल दिया है, मेल्टिंग ऑफ आइस। ओके, मतलब जब भी आप किसी आइस को मेल्ट करेंगे तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ओके, इसी तरीके से जो एक्टिविटी 6.4 के अंदर जो एग्जाम्पल है, वाटर को बॉइल करना, वो भी किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जो एक्टिविटी 6.5 है उसमें भी क्या है, मतलब आपको हॉक शो ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, मतलब जो हॉक शो ब्लेड होती है उसको आप जब गैस स्टोव पे गर्म करते हैं, बर्न करते हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। ओके, अब नेक्स्ट आपको ये है कि जो एक्टिविटी 6.1 है, 6.2 है जिसमें आपने पेपर लिया है। ओके, दूसरी एक्टिविटी 6.2 में चॉक ऑफ पीसेस जो है उसको आपने क्या किया है, मतलब वो हम बोल रहे हैं फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है, तो उसके अंदर एक्टिविटी 6.1 और 6.2 के अंदर किसके अंदर चेंजेस हो रहा है, कि जब आप पेपर को कट कर रहे हो, चॉक को मतलब उस चॉक को अगर आप पीसेंगे तो पाउडर मिलेगा ना, तो साइज के अंदर क्या हो रहा है, उसके चेंजेस आ रहे हैं। इसी तरीके से जो एक्टिविटी 6.3 और 6.4 है उसके अंदर आपको वाटर चेंज इट डिस्प्लेड स्टेज सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। ओके, मतलब जैसे आप क्या कर रहे हैं, मतलब आइस को मेल्ट कर रहे हैं, क्लियर, और वाटर को बॉईल कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि जो वाटर की जो स्टेट हो रही है वो उसके अंदर चेंज हो रही है, वाटर जो है वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैसेस बन रहा है, ये सब उसके अंदर बताया गया है। जो एक्टिविटी 6.5 है उसके अंदर आया था कि जो हैक शो ब्लेड है उसको जब आप हीट करते हो तो कैसा कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, तो ये किसके एग्जाम्पल है, यहाँ पे फिजिकल चेंजेस के ये एग्जाम्पल है। और ये जो एक्टिविटीज के अंदर क्या रिजल्ट निकला है वो ये लाइक, मतलब ये जो चीजें हैं वो आपको यहाँ से क्या करनी है, मतलब लिखनी है। ओके, अब ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अंदर किन चीजें आपको कवर होगी, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है उसका डेफिनेशन दिया है, फिजिकल चेंजेस क्या होता है उसका डेफिनेशन दिया है, फिजिकल चेंजेस की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आपको बताई गई है। तो जो ये येलो कलर की जो लाइन मैंने हाईलाइट करी है, प्रॉपर्टीज सच ए शेप साइज कलर और स्टेट ऑफ ए सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आपको मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन लर्न करना है। फिर ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स जो मैंने लाइन हाईलाइट करी है वो फिजिकल चेंज का डेफिनेशन है, वो आपको यहाँ से फिजिकल चेंज का डेफिनेशन लर्न करना है। ए चेंज इन विच अ सब्सटेंसेस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो ये फिजिकल चेंज का डेफिनेशन लर्न करना है। इसके बाद में जो फिजिकल चेंज की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ से ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन जो हाईलाइट करी है ये वाली, कि ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। तो यहाँ से आपको ये फिजिकल चेंजेस की जो प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ से लर्न करनी है। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें मतलब तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस की मतलब क्या प्रॉपर्टी है, मतलब उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो वो आपको क्या करना है, यहाँ से लर्न करना है। तो यहाँ तक का जो चीज है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, फिजिकल चेंज मतलब जो चेंजेस होते हैं वो दो तरह के, वो आपको लर्न करने हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है, फिर उसके एग्जाम्पल्स जो है वो आपको लर्न करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल चेंजेस, तो सबसे पहले आपको केमिकल चेंजेस का जो डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जो केमिकल चेंजेस है
उसके जो एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको यहाँ पे क्या कर रही हूँ बता रही हूँ. ओके तो सबसे पहले जो केमिकल चेंजेस का जो पहला एग्जाम्पल है वो है रस्टिंग. ओके तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज रस्ट क्या होता है, व्हाट इज रस्टिंग क्या होती है. तो इसके लिए आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन जो मैंने यहाँ से हाईलाइट करा रही हूँ वो हाईलाइट करनी है. इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म और ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंसेस. दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. तो ये केमिकल चेंजेस का पहला एग्जाम्पल है जिसमें रस्ट क्या होता है, रस्टिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस जो है वो आपको यहाँ से क्या करनी है, लर्न करनी है. ओके इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल जो है एक्टिविटी 6.6 के अंदर जो मतलब केमिकल चेंजेस का दूसरा एग्जाम्पल जो है वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको जब आप बर्न करते हैं तो वो भी क्या है, केमिकल चेंजेस का दूसरा एग्जाम्पल है. तो इस एक्टिविटी 6.6 में क्या लाइनें आपको हाईलाइट करनी है, क्या लाइन आपको लर्न करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट्स टिप विद सैंडपेपर, ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, इट बर्न्स विद द ब्रिलियंट वाइट लाइट, वेन इट इज कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडर एश. ओके मतलब यहाँ से लेके आपको मतलब क्या करना है, केमिकल चेंजेस का ये जो दूसरा एग्जाम्पल है ये मतलब आपको इतना हाईलाइट कर लेना है. उसके बाद में ये जो रिएक्शन है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो उसमें किस तरह की रिएक्शन होती है वो आपको क्या करनी है, यहाँ से लर्न करनी है. इसमें जो एक नया प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब वो बनता है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल बोलते हैं. ओके ओके अब क्या करना है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, जब मैग्नीशियम रिबन को हम कम्प्लीटली बर्न कर देते हैं ना तो हमें लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब क्या होता है कि ये जो मतलब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऐश कहते हैं. ओके तो ये जो केमिकल चेंजेस जो है उसका दूसरा एग्जाम्पल मतलब ये यहाँ पे भी बता सकते हैं कि ये जो मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपको मिला है इसको आपको क्या करना है, कलेक्ट द ऐश, ऐश का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड लेना है एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्टीयर द मिक्सचर वेल, टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू और रेड लिटमस पेपर. तो मतलब ये जो केमिकल चेंजेस जो होते हैं मतलब जब आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हो उसके बाद में आपको जलने के बाद में जो ऐश मिलती है उसको वाटर के साथ डिजोल्व करना है, फिर आपको उसका क्या मिलेगा, वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा. अब क्या होगा कि उसके बाद में ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसकी रिएक्शंस जो है वो आपको क्या करनी है, ये यहाँ से क्या करनी है, लर्न करनी है कि मतलब जब आप ऐश मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ओके तो आपको ये रिएक्शंस जो है वो केमिकल चेंजेस के अंदर क्या करनी है, उसके अंदर लर्न करनी है, लिखनी है. ओके तो इसके अंदर जो फाइनली जो एक्टिविटी 6.5 जो आपने करी है, ओके ये जो एक्टिविटी आपने करी ना, सॉरी 6.6 जो आपने एक्टिविटी करी है तो उसका सॉल्यूशन जो है उसका रिजल्ट क्या निकला है, उसके लिए ये लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मड ऑन बर्निंग ऑन मैग्नीशियम रिबन. मतलब जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो नया सब्सटेंसेस बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर. एक और हमें दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नया सब्सटेंसेस मिलता है, किससे मिलता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं. तो ये केमिकल चेंजेस जो है उसका एग्जाम्पल बताया गया है एक्टिविटी 6.6 के अंदर. मतलब एक्टिविटी जो 6.6 जो है वो क्या है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है. जब आप बर्न करेंगे तो आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर आप वाटर में डालेंगे तो आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो अगर आपको नया प्रोडक्ट मिलता है ओके तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं. ओके तो जो एक्टिविटी 6.6 है वो केमिकल चेंजेस का सेकंड एग्जांपल है. अब एक्टिविटी 6.7 है उसमें केमिकल चेंजेस का थर्ड एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है. ओके तो इसके लिए आपको एक्टिविटी 6.7 के अंदर क्या लाइन हाईलाइट करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ. डिजोल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन. इसके अंदर क्या है कि मतलब ये लाइन जो है वो आपको हाईलाइट करनी है. इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉपर सल्फेट जो है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम नीला तोता बोलते हैं या ब्लू विट्रियोल बोलते हैं. क्लियर.
और फिर उसके अंदर जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलेंगे तो कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है वो आपको मिलेगा। इसके बाद में कौन सी लाइन हाईलाइट करनी है आपको, ड्रॉ एंड नेल और आई यूज शेविंग ब्लेड इन टू द रिमेनिंग सोल्यूशन, वेट फॉर हाफ एन आवर। मतलब इसमें से कुछ सोल्यूशन आपको, ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन मिला है इसमें से कुछ सोल्यूशन निकालेंगे और जो बाकी बचा हुआ सोल्यूशन है उसके अंदर या तो आप ये ब्लेड डाल दीजिए शेविंग का ब्लेड, या फिर आप क्या करिए इसके अंदर कोई भी नेल होती है ना कील, उसको आप क्या करेंगे डाल देंगे। ओके, तो फिर क्या होगा कि द चेंज, फिर आपको वापस यहाँ से हाईलाइट करना है द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड न्यू सब्सटेंसेस, और इसके बाद में ये रिएक्शंस जो है वो आपको क्या करनी है हाईलाइट करनी है। तो मतलब ये एक्टिविटी बताई है। ओके, एक्टिविटी के बाद में ये पूरी एक्टिविटी है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो पूरी एक्टिविटी, ये जो बीच का पोर्शन है ना ये भी आपको हाईलाइट कर लेना है कि इसमें से कुछ सॉल्यूशन जो है वो आपको निकाल लेना है। फिर जो एक्टिविटी का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मतलब सबसे पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिला आपको, ठीक है, उसके बाद में जैसे ही आपने शेविंग का ब्लेड या कील उसके अंदर डाली तो उस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, और वो किसकी वजह से हुआ, आयरन सल्फेट की वजह से हुआ। अब ऐसा क्या होता है कि मतलब इसके अंदर ये बताया गया कि इस रिएक्शन को आपको समझ में आ जाएगा कि जो पहले ब्लू कलर था वो ग्रीन क्यों हुआ। तो पहले था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जैसे ही उसमें आपने आयरन का ऑब्जेक्ट या आयरन की नेल डाली तो क्या हुआ, इस आयरन ने इस कॉपर के साथ में रिएक्शन करके क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना दिया, और ये जो आयरन सल्फेट जो है वो कौन से कलर का हो गया, ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर हमें दिखाई देगा। इसके बाद में ये ब्लेड जो आपने जब डाली थी तो एकदम सिल्वर कलर की थी, लेकिन जब आप इसको बाहर निकालते हो तो इसके ऊपर ये ब्राउन कलर की, तो इसका भी कलर चेंज हो जाता है, तो इसके ऊपर ये जो कलर चेंज हुआ तो इसके ऊपर क्या हुआ, कॉपर जो है वो जाके क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, कलर चेंज हो गया है। तो आपको जो एक्टिविटी 6.7 है उसके अंदर भी केमिकल चेंजेस का जो है वो एग्जाम्पल समझाया है, प्लस उसका एक्टिविटी का क्या रिजल्ट बताया है वो मैंने आपको यहाँ चेंजेस से लेके यहाँ तक जो है ये एक्टिविटी का रिजल्ट है, ये रिएक्शन भी जो है वो एक्टिविटी के रिजल्ट में आपको क्या करनी है, लिख लेनी है। ओके, इसी तरीके से जो एक्टिविटी 6.8 है वो भी क्या है, केमिकल चेंजेस का ये एग्जाम्पल है। उसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले मतलब एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर टेक अबाउट अ टी स्पून फुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। तो एक्टिविटी 6.8 के अंदर आपको ये लाइन हाईलाइट करनी है, टेस्ट ट्यूब में विनेगर लेना है, बेकिंग सोडा लेना है, तो उसके बाद में इसको आपको ये रिएक्शन जो है, जब आप विनेगर और बेकिंग सोडा को टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बन रही है। ओके, तो इसके बाद में ये जो डायग्राम है वो आपको लर्न करना है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने क्या डाला, विनेगर डाला प्लस बेकिंग सोडा डाला, कौन सी गैस बनी वहां पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनी। ओके, तो ये जो है ये भी जो एक्टिविटी 6.8 के अंदर ये जो मैंने लाइन लर्न कराई है ये एक्सपेरिमेंट है, ये इसका जो है रिजल्ट है यहाँ पे कि क्या बना है, ये केमिकल चेंजेस का एग्जांपल है। ओके, अब जो मैंने आपको मतलब इसके बाद में ये जो लाइन, ये जो चीज है ये किस चीज का है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेस्ट है, मतलब जो गैस बन रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई दूसरी गैस है, तो ये जो लाइन है, ये जो टेस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब जब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट करना होगा तो उसको आपको किसके अंदर से पास करना पड़ेगा कि एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी और उसमें लाइम वाटर डालेंगे और इस लाइम उस टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर है, फिर उसके अंदर क्या करेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप डालते हैं ना तो ये लाइम वाटर जो होता है कैसे हो जाता है, मिल्की हो जाता है, मतलब मिल्की कलर का हो जाता है। अगर ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो जो गैस निकली है, जो गैस बनी है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ओके, तो यहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड का ये टेस्ट और ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो टेस्ट जो कर रहे हैं उसके अंदर मतलब ये जो रिएक्शन है वो आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। अब जो लाइम वाटर जो है वो मिल्की क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ओके, उस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की हो जाता है। इस ये जितनी भी केमिकल रिएक्शंस जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ना उसके फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का करना है, लाइम वाटर होता है उसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका मतलब फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ये जो रिएक्शन के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करने हैं, आपको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है। तो ये जो मैंने ये जो ब्लू कलर का बॉक्स जो यहाँ पे हाईलाइट किया है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट मैंने आपको बताया है।
तो यहाँ पे जो मतलब ऑल ओवर जो हमने यहाँ पे जितने भी एक्टिविटी 6.7 करी है, 6.8 करी है, तो 6.7 के अंदर हमने देखा था कि जो कॉपर जो है, मतलब द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर, बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस. मतलब एक्टिविटी 6.7 के अंदर हमने क्या कहा था कि कॉपर सल्फेट के अंदर हमने कोई भी आयरन की चीज डाली थी, तो ये आयरन जो है वो इस कॉपर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट और कॉपर बनाता है, जो क्या है एकदम नए प्रोडक्ट है. मतलब केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है ये, क्योंकि नया प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे. इसी तरीके से जो एक्टिविटी 6.8 है उसमें कॉपर वॉज डिपोजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, मतलब और जो मतलब आयरन की जो हमने ब्लेड ली थी वो कैसी हो, मतलब उसके ऊपर जाके क्या हो जाता है, कॉपर डिपॉजिट हो जाता है. अब जो एक्टिविटी 6.8 है उसके अंदर विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न लाइम वाटर मिल्की. तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी 6.8 है उसके अंदर भी क्या है कि विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन बनाते तो एक नया प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड. इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी लाइम वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो फिर वापस क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी वजह से क्या होता है वो सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है. तो ऑल ओवर जो 6.7 है, 6.8 है, 6.6 है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस. तो यहाँ पे ये जो मैंने ब्लू कलर का जो बॉक्स हाईलाइट कराया है, यहाँ पे आपको केमिकल चेंजेस का डेफिनेशन दिया गया है. ये आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है कि केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन क्या है. तो एज चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंजेस, और अ केमिकल चेंजेस इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ से आपको केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होंगे जिसमें नया सब्सटेंसेस बनेगा, और फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंसेस नहीं बनता है. दोनों में डिफरेंस है ये. इसके अलावा जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं. दोनों के बीच में डिफरेंस भी आप क्या कर सकते हो, पहले मैंने फिजिकल चेंजेस बताया, फिर उसके एग्जाम्पल बताए, और फिर यहाँ पे केमिकल चेंजेस क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल बताए. तो दोनों में डिफरेंस जो है वो आप इस तरीके से लिख सकते हो. केमिकल चेंजेस को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. अब इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड है इन अवर बॉडी है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स है, ये सब भी क्या है केमिकल चेंजेस के भी क्या है एग्जाम्पल है. ये आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, और एग्जाम्पल जो है वो यहाँ से लर्न कर सकते हो. अब जो केमिकल चेंजेस जो होते हैं उसमें क्या होता है कि नया प्रोडक्ट तो बनता है ये तो हमें पता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी तो कुछ चीजें बनती होगी. तो जब भी केमिकल चेंजेस होती है या केमिकल रिएक्शन होती है तो हीट, लाइट, कोई भी रेडिएशन जो होती है वो या तो निकलेगी या फिर एब्जॉर्ब होगी. कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा कि साउंड मतलब प्रोड्यूस हो सकती है, आवाज के साथ कोई रिएक्शन होती है. इसके अलावा कि तीसरा चेंजेस होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर क्या हो सकता हो, स्मेल भी आए. अब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो ऐसा उसमें सकता है कि कलर चेंज हो, जैसे हमने पढ़ा था ना कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बनता है तो कलर चेंजेस होता है. अब जैसे स्मेल का है तो जैसे कोई फ्रूट जो है वो पक जाता है या सड़गल जाता है तो उसमें स्मेल आती है. इस तरीके से होता है. अब अ गैस में भी फॉर्म, जैसे हमने ये क्या पढ़ा था अभी, ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें क्या बनी थी, गैस बनी थी. जैसे विनीगर और बेकिंग सोडा को आप बनाओगे, मिक्स करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती. तो ये सारी चीजें जो होती है ना केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके साथ साथ ये चीजें जो है वो भी क्या होती है पॉसिबल हो सकती है. क्लियर. अब दूसरी चीज है कि जब भी किसी चीज को आप बर्न करते हो, तो उसमें हमेशा क्या होती है, हीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है. ये लाइन जो है वो आपको क्या करनी है, बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेंडेड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, ये लाइन जो है आपको अंडरलाइन करनी है. इसी तरीके से एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज, तो ये भी केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है कि आप फटाके जलाते हो ना, तो वो भी उसके अंदर क्या होता है कि जब एक्सप्लोजन होता है तो हीट निकलती है, लाइट निकलती है, साउंड निकलती है, बहुत सारी अनप्लेजेंट गैसें निकलती है जो एटमोसफेयर को क्या कर देती है, पोल्यूट कर देती है. इसलिए हमें क्या बोलते हैं कि फायर क्रैकर्स जो है वो बर्न नहीं करने चाहिए. उसमें यहाँ पे इसको आपको रीजन भी दिया गया है. अब स्मेल वाला बताया है, जैसे कोई भी फूड जो है वो स्पॉइल्ड हो जाता है, इट प्रोड्यूस अ फॉल्स स्मेल, दिस चेंजेस, ये भी केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है कि जिसमें फूड जो है वो खराब हो जाएगा. इसी तरीके से मतलब केमिकल चेंजेस का एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं जिसमें आपको क्या करना है कि कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल या फिर अ स्लाइस ऑफ पोटेटो एंड ब्रिंजल, इसमें से आप एप्पल ले सकते हो, पोटेटो ले सकते हो, ब्रिंजल ले सकते हो, और इट कीप इट अवे फ्रॉम अ समटाइम, कुछ समय के लिए आप बाहर रख दो, तो क्या होगा, मतलब कलर चेंजेस होता है ना, तो यहाँ पे यही बताया गया है. एक मिनट, जस्ट अ मिनट.
तो आप जब एप्पल पोटेटो ब्रिंजल को आप मतलब कुछ देर के लिए काट के बाहर रख देते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, द चेंज ऑफ कलर इन दिस केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। कलर चेंज हो जाता है, पोटेटो ब्रिंजल इनको रखोगे और एप्पल रखोगे तो थोड़ी देर ब्राउन हो जाते हैं, तो कलर चेंज होता है, तो मतलब कलर चेंज आना, स्मेल आना, ओके, और मतलब हीट, साउंड और ये सब प्रोड्यूस होना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। ओके, इसके बाद में ये जो बॉक्स है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब प्रोटेक्टिव शील्ड किसको बोलते हैं, हमारे अर्थ के ऊपर जो प्रोटेक्टिव शील्ड है वो किसको बोला जाता है, जो हमारे अर्थ के ऊपर जो ओजोन लेयर्स जो बनी हुई है ना, वो किसका काम करता है, प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। और ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड होती है वो हमें किससे बचाती है, रेडिएशन से बचाती है। कौन सी रेडिएशन, जो सन से आने वाली जो रेज होती है ना, उससे बचाती है। ओके, तो यहाँ पे ये जो जो लाइनें मैंने हाईलाइट कराई है वो उसको आप हाईलाइट कीजिए प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर, कि द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम्स फ्रॉम द सन, ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे ये बताया गया कि जो ओजोन लेयर जो होती है वो सन से आने वाली जो हार्मफुल लेयर्स होती है उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये जो मतलब क्या करेगा कि जो मतलब उससे उसको क्या करेगा, रोक के रखेगा, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये ओजोन, ओजोन लेयर में क्या होगा, ओजोन होगा, और ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और ओजोन जो है वो उससे क्या बनेगा, जब उसको एब्जॉर्ब करेगा तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। क्लियर? अगर सपोज ये यहाँ पे बताया, यहाँ पे ओजोन, ये जो बॉक्स है ना, ये जो चीज है, यहाँ पे ओजोन लेयर का फंक्शन बताया कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो उसका हमारे को यहाँ पे बताया गया है, इसका रीजन यहाँ पे समझाया गया है, इट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस इन अदर लाइफ फॉर्म्स, ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है वो अर्थ पे पहुंचेगी, और अर्थ पे जितने भी रहने वाले लाइफ फॉर्म्स है, प्लांट है, एनिमल है, जो कुछ भी है, ऑल टू ऑल जितनी भी चीजें हैं वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम ओजोन लेयर को क्या बोलते हैं, अर्थ का प्रोटेक्टिव शील्ड के नाम से उसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, फिजिकल चेंज उसके एग्जाम्पल, केमिकल चेंज केमिकल उसके एग्जाम्पल, प्लस ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारी लाइफ के अंदर, वो यहाँ पे क्या करा है उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये आपको यहाँ पे मतलब क्या करने हैं, इतने पोर्शंस जो है मतलब इतने नोट्स की फॉर्म में इसको लर्न कर लेने हैं, लिख लेने हैं अपनी नोटबुक पे यहाँ तक ही, ताकि हमेशा आपको यहीं से क्या करना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लुक एंड लर्न क्लासेस को आज ही क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब हम फिजिकल, जब हमने केमिकल चेंज पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने मतलब देखा था वहां पे रस्ट क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है, तो रस्ट और रस्टिंग का डेफिनेशन जो है वो आपको वहां से क्या करना है, तैयार करना है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर क्या लाइन आपको लर्न करनी है, मतलब हाईलाइट करनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो इक्वेशन है, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब रस्टिंग क्या है, केमिकल रिएक्शन है, तो आपको इसको इक्वेशन से क्या करता है, करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो ये जो इक्वेशन है वो आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। मतलब आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, आयरन ऑक्साइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट कह रहे हैं। तो आपको इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रस्ट होता है उसका फॉर्मूला जो है वो आपको पूछा जा सकता है। तो रस्ट जो होता है उसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं, उसका फॉर्मूला है Fe2O3, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रस्टिंग होने के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन भी होती है और मॉइस्चर होता है एयर के अंदर, मतलब इट मीन्स उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। तो मतलब दोनों में से अगर एक चीज भी एब्सेंट होगी तो मतलब रस्टिंग नहीं होगी। तो मतलब रस्टिंग होने के लिए ऑक्सीजन और वाटर जो है दोनों का असेंशियल होना जो है वो जरूरी है। ये यहाँ पे रस्ट और रस्टिंग का डेफिनेशन जो हमने केमिकल चेंजेस का जब स्टार्ट किया था वहां पे दिया हुआ है, रस्ट और रस्टिंग का डेफिनेशन। उसके बाद रस्टिंग का जो इक्वेशन है वो आपको, ये वाली जो इक्वेशन है वो यहाँ से लर्न करनी है। जो रस्ट होता है उसका केमिकल फॉर्मूला आपको लर्न करना है। इसके बाद में रस्टिंग के लिए कौन कौन सी चीजें, मतलब ऑक्सीजन और वाटर, कौन सी दो चीजें जो है जरूरी है वो आपको उसके नाम जो है वो यहाँ से लिखना है। क्लियर? अब ये यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ट्रू फॉल्स में आपको पूछा जा सकता है कि जैसे
फॉर एग्जाम्पल जैसे एयर है, एयर के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा, तो अगर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा तो वहां पे जो रस्टिंग का जो होगा ना वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा फास्टर होगा। तो यहाँ पे ये चीज बताइए कि इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई, विच मीन्स इफ इट इज अ मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम्स फास्टर। ओके, अब जैसे आयरन की ऑब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर रस्टिंग होती है, रस्टिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे आयरन का ऑब्जेक्ट जो होता है वो खराब हो जाता है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का जो है वो लेयर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट, और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। अब हमें आयरन के ऑब्जेक्ट खराब ना हो उसके लिए कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो एक दो मेथड है। एक तो ये जो येलो कलर का मैंने हाईलाइट किया ये फर्स्ट मेथड है, और ये जो ब्लू कलर का जो मैंने हाईलाइट किया ये सेकेंड मेथड है। तो पहला मेथड जो है उसको आपको यहाँ से लिखना है कि वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ पॉट ऑफ पेंट और ग्रीस, इनफैक्ट दिस कोर्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। मतलब कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट के ऊपर रस्टिंग ना लगे तो आपको उसके ऊपर रेगुलर पेंट और ग्रीस जो है वो लगाना चाहिए। ओके, अब जो दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड में क्या है कि जैसे यदि आप किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक या क्रोमियम की लेयर्स जो है वो डिपॉजिट कर दो, चढ़ा दो, तो उससे भी क्या हो सकता है, आयरन को रस्ट होने से बचाया जा सकता है। ओके, ये सेकेंड मेथड है। अब ये जो सेकेंड मेथड जो है उसके ऊपर मतलब यहाँ से ये जो मैंने चीज हाईलाइट करी है, ये जो ब्लू कलर की हाईलाइट की है, इसको हम गैल्विनाइजेशन का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, और मतलब नॉर्मली ये पूछते ही है। ओके, तो गैल्विनाइजेशन क्या होता है, गैल्विनाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है, ओके, जिसके अंदर क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर जो है वो डिपॉजिट करते हैं, जिससे आयरन के ऊपर रस्टिंग से बचाया जा सकता है, खराब होने से बचाया जा सकता है, उसको हम गैल्विनाइजेशन कहते हैं। ओके, तो गैल्विनाइजेशन क्या होता है, उसके अंदर किसकी लेयर को हम क्या करते हैं मतलब चढ़ाते हैं, तो जिंक की लेयर जो है उसके ऊपर चढ़ाते हैं। ओके, अब ये जो ग्रीन कलर का जो मैंने यहाँ से यहाँ तक हाइट किया है, जैसे हाईलाइट किया है शिप से लेके आपको शिप कहाँ तक हाईलाइट करना है, एवरी ईयर तक करना, मतलब क्या करना है, हाईलाइट करना है, मतलब जो शिप्स होते हैं उसको हर ईयर जो होता है वो रिप्लेस क्यों करना पड़ता है, तो उसका रीजन बताया जाता है कि जो शिप जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जनरली वाटर में रहते हैं, उनका जो नीचे का हिस्सा तो जनरली क्या होता है मतलब डूबा हुआ ही रहता है वाटर के अंदर, लेकिन उसका जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो भी क्या होता है, लगातार कॉन्टेक्ट में आता रहता है वाटर के। ओके, अब जो सी जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ओके, और तो इस सॉल्टी वाटर की वजह से क्या होती है, जो शिप के ऊपर जो रस्टिंग होती है ना उसका प्रोसेस जो होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए जो शिप जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी जो होते हैं, अगर आप उनको पेंट भी करो ना तो उसके बाद भी उसके ऊपर रस्टिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए शिप जो होते हैं उनको हर साल जो होता है वो आपको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। क्लियर, तो ये शिप वाला भी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अब इसके बाद में ये बताया गया है कि जैसे स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम निकेल एंड मैग्नीज, इट डज नॉट रस्ट। मतलब जैसे स्टेनलेस स्टील जो होती है उसके उसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे उसके अंदर आयरन होता है, आयरन ठीक है ना, आयरन के साथ में उसके मतलब कार्बन डालते हैं, और इसके साथ में हम दूसरी मेटल की उसके अंदर मिक्स करते हैं, जैसे क्रोमियम है, निकेल है, मैग्नीज है, तो इसकी वजह से जो स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें आयरन तो होता है लेकिन दूसरी बहुत सारी मेटल्स होती है, तो उन मेटल्स के नाम जो है वो आपको लर्न करने हैं, जैसे कार्बन है, क्रोमियम है, निकेल है, मैग्नीज है, ये है जो उनको क्या करती है, रस्ट होने से बचाती है उसको। ओके, तो ये इतना पोर्शन जो है वो मतलब किसके अंदर आएगा, आयरन ऑफ रस्ट जो है ना उसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर रस्ट और रस्टिंग का डेफिनेशन करना है, उसकी ये इक्वेशन करनी है, कौन से दो चीजें जरूरी है वो आपको करनी है, इसके अलावा रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है वो बताना है, उसके दो मेथड जो है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, वो आपको क्या करना है, तैयार करना है। गैल्विनाइजेशन क्या होता है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको तैयार करना है। इसके अलावा जो शिप्स होते हैं उनको हर साल रिप्लेस क्यों करना पड़ता है, उसका रीजन है। स्टेनलेस स्टील जो होते हैं वो किससे बना होता है, उसके अंदर और कौन कौन सी मेटल्स होती है आयरन के अलावा, उसके नाम जो है वो आपको इस बॉक्स से क्या करने हैं, लर्न करने हैं। ओके, अब हमारा सबसे जो लास्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो क्रिस्टलाइजेशन है उसके अंदर क्या लाइन आपको हाईलाइट करनी है, तो लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। तो सबसे पहले ये जो चीज है, यहाँ से आपको क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन लर्न करना है। ओके, मतलब कोई भी सॉल्यूशन होता है, ओके, तो मतलब किसी भी सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल्स बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और ये क्या है, क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एक फिजिकल चेंजेस है, मतलब क्रिस्टल से आप सॉल्यूशन बना सकते हो, सॉल्यूशन से आप क्रिस्टल्स बना सकते हो,
तो ये चीजें जो है यहाँ से आपको क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन जो है वो लर्न करना है। ओके, अब एक्टिविटी 6.9 के अंदर आपको क्या समझाया गया कि किसी भी सॉल्यूशन से आप कैसे मतलब क्रिस्टल्स बनाएंगे वो यहाँ पे आपको पूरा बताया। तो यहाँ से लेके टेक से लेके आपको सम टाइम तक क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है। ओके, इसके अंदर मतलब जैसे कॉपर सल्फेट जो होता है ना उसके मतलब जो कॉपर सल्फेट जो होता है सबसे पहले उसका सॉल्यूशन बनाना है। ओके, और उसका सॉल्यूशन बनाने के बाद में उस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर मतलब पानी लेना है, ठीक है, उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, फिर उस पानी को क्या करना है आपको गर्म करना है, फिर उसको जब बॉयल होना स्टार्ट हो जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डाल दो, धीरे धीरे उसको कॉपर सल्फेट पाउडर डाल के धीरे धीरे उसको हिलाना है। ओके, फिर जैसे मतलब मतलब आपको पाउडर जो है कॉपर सल्फेट का पाउडर जो है वो उसमें ऐड करते ही जाना है। ओके, और जब तक वो डिजोल्व हो जाए, ओके, डिजोल्व मतलब जब तक डिजोल्व हो रहा तब तक ठीक है, उसके बाद आपको ऐड नहीं करना है कॉपर सल्फेट, उसके बाद फिल्टर सॉल्यूशन को फिल्टर करना है, फिर उसको ठंडा होने के लिए रख लेना है, फिर उसको जो सॉल्यूशन को आपने ठंडा करने के लिए रखा है उसको हिलाना नहीं है, और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स जो है वो वहां पे क्या कर रहे हैं, बन रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना सकते हैं। मतलब आप पानी लो, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालो, फिर कॉपर सल्फेट डाल दो, तो सॉल्यूशन बन गया कॉपर सल्फेट का, फिर इसको बॉयल करो, ठंडा करो, तो उसके क्रिस्टल्स जो है वो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो ये आपका पूरा चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में ये जो कीवर्ड्स जो है वो भी मैंने आपको समझा दी है, ये कीवर्ड्स जो है वो भी आपको मतलब लर्न करनी है, इसमें से आपको कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, जैसे केमिकल और फिजिकल चेंजेस में डिफरेंस पूछा जा सकता है, केमिकल रिएक्शन कहते हैं जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने वो रिएक्शन इक्वेशन की फॉर्म में बताई ना वो इसके अंदर आएगा। क्रिस्टलाइजेशन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जैसे आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दो तो आयरन को रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये सारे कीवर्ड्स जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद में ये जो चीज है ना, ये जो बॉक्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको तैयार करना है कि जो चेंजेस जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, फिजिकल केमिकल। अब फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं ये मैंने बताया कि फिजिकल चेंजेस के अंदर जो सब्सटेंसेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो चेंज होगी, इसलिए उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। अब केमिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस के अंदर जो सब्सटेंसेस जो होते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, इसलिए केमिकल चेंजेस कहा जाता है। अब दूसरा चेंज जो फिजिकल चेंजेस होता है उसमें कोई सब्सटेंसेस नया बनता नहीं बनता, लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें नया सब्सटेंसेस बनता है। तो अब जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल। तो इस टॉपिक से आप फिजिकल और केमिकल दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो लर्न कर सकते हैं। ओके, अब जो यहाँ पे बताया गया है कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर नया सब्सटेंसेस बनेगा ही बनेगा, वही तभी केमिकल चेंजेस कहलाएगा। इसके बाद में आपको ये क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन जो है वो इस फोर्थ पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ओके, कि कोई भी सॉल्यूशन होता है उससे मतलब उसको प्योर स्टेट जो होती है ऑब्टेन करनी है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक खत्म होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको कैसे नोट्स बनाने हैं ये अच्छा लगा, और इससे आपको अगर एग्जाम में हेल्प मिलती है तो आप प्लीज लुक एंड लर्न क्लास उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।